फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं कच्चे चावलों से मिठाई। हाँ, आज अम्मी बनाने वाले हैं मिठाई, वो भी कच्चे चावल से। अरे हाँ। मिठाई बना रहे तो काजू, बादाम, पिस्ता ये सब की बनाओ। हाँ, ये सस्ती मिठाई है, ज्यादा महंगी मिठाई नहीं है, ये घर में हर कोई बना के खा सके, इसलिए बना रहे। चावल की बना रहे। हाँ। तो सोचो कितनी सस्ती मिठाई रहेगी। तो चलो फिर नजर मारते इंग्रीडियंट्स पे, क्या अम्मी कच्चे चावल की मिठाई बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम बासमती चावल, दूध, शक्कर, खोपरे का बुरादा, मगज, मिल्क पाउडर, बादाम, काजू, इलायची पाउडर और देसी घी। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें हम डालेंगे देसी घी। ये घी मैं जितना डाल रही हूँ इतना बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये घी वापस हमारे कढ़ाई में बच जाएगा। सिर्फ हमको चावल इसमें फ्राई करना है, उतना ही घी जाएगा, आप कम भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे है बोल के थोड़ा ज्यादा डाल दी। तो यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एक वाटी चावल ली हूँ ना मैंने, वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये चावल घी में फ्राई करने से आधे से ज्यादा तो ये पक जाएंगे, है ना। फ्राई करने में ही आधे चावल हमारे पक जाएंगे। अब मैं इसको पूरा ब्राउन कलर करे तक इसको फ्राई करूंगी चावलों को। तो चावल कोई भी ले सकते हैं? चावल आप कोई भी ले सकते हैं, कनी ले सकते हैं, कोलम ले सकते हैं, बासमती ले सकते हैं, आपके घर में जो खाते वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चावल अच्छे से ब्राउन कलर के हो गए, अब यहाँ पर मैं कर दूंगी गैस बंद। अब हम इसको निकाल लेंगे, इससे ज्यादा और अगर आप करेंगे तो आपकी मिठाई का कलर और ज्यादा डार्क हो जाएगा। मैं इतना ही कर रही हूँ, अगर आपको और ज्यादा डार्क करना है तो थोड़े देर और पका लेना, लेकिन अभी ये नीचे ठंडा होने तक और डार्क हो जाएंगे ये चावल भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरे चावल निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल निकाल ली हूँ, चावलों को हम थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। जब तक क्या करेंगे हम, यहाँ पे मिक्सर की बाटी ले ली हूँ, यहाँ पे मैंने 7-8 बादाम ली हूँ, इसको पीस लेंगे, 7-8 काजू ली हूँ, यहाँ थोड़े से मगज ली हूँ और यहाँ पे मैं 3 चम्मच खोपरे का बुरादा ली हूँ। थोड़ा सा खोपरे के बुरादे से दरदरापन आता है और यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ। ये सब मैं अच्छे से बारीक पीस लेती हूँ मिक्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बारीक पाउडर कर ली हूँ, काजू, बादाम, मिल्क पाउडर, है ना, कोकोनट पाउडर, सब मिक्स करके एक साथ पाउडर बना लिए हमने। लेकिन मिल्क पाउडर ही था ना मिल्क? हाँ, तो लेकिन क्वांटिटी अभी हमको मिल्क पाउडर की इसमें मिलाना ही था, तो हमने ग्राइंडर में डाल दिए तो मिक्सअप हो गया एक साथ, और पीसने का पीसना भी हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम, यही वाटी में हमारे चावल ले लेंगे, इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। लेकिन हम, ये सस्ती मिठाई कहाँ से हुई? अरे ये जो मैं डाल रही हूँ काजू बादाम, ये जरूरी नहीं है आप भी डालो, अगर आपको सस्ती बनाना है आप चावल पीस के डायरेक्ट बनाना, ये सब स्किप कर देना, जो मैंने बादाम काजू ये सब डाली हूँ वो मत डालना, सिर्फ 10 रुपए वाला मिल्क पाउडर का पाउच डालना बस। और ये बासमती चावल इसका क्या? इसका नहीं लाना बासमती चावल, आप लोग जो रेगुलर में घर में पकाते हैं वो चावल का बनाना, ठीक है, तो भी आपकी चावल की मिठाई अच्छे से बन जाएगी। अब इसको भी मैं अच्छे से बारीक पीस लेती हूँ, ना पानी डालना ना दूध डालना, बस इसी तरीके से पीस लेना, क्योंकि हमने इसको भुने है ना तो ये बहुत आसानी से बारीक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चावल भी मैंने अच्छे से पीस ली हूँ, इसको भी निकाल लेंगे हम एक बाउल में, है ना, कितना बारीक पीसे गया थे चावल, माशाल्लाह रवा बन गया। तो हाँ, क्योंकि हमने इसको घी में फ्राई करे है ना तो वो कुरकुरे हो गए थे, और वो कुरकुरे होने की वजह से बारीक पाउडर आसानी से हो गया है, है ना। चलो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने फ्राई पैन आराम से चढ़ा दिए है, इसमें हम डालेंगे 1 बाटी शक्कर जो हमने लिए है। अब इसको कैरेमलाइज होने देंगे आराम से धीमी आंच पे, ठीक है। तो यहाँ पे शक्कर हमारी अच्छे से पिघलने लगी है, थोड़ा सा कलर बदली करने देंगे इसको, ब्राउन कलर का हो जाएगा,
तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। लेकिन इतना है कि ये बहुत झटके में काला हो जाता है और कड़वा हो जाता है, इसके लिए बहुत ध्यान से ये मोमेंट पे हिलाते रहना, क्योंकि थोड़ा सा भी कड़वा हो गया ना तो आपकी पूरी मिठाई कड़वी कड़वी लगने लगेगी। तो ये मोमेंट पे हाथ चलाते रहना, जरा भी हाथ नहीं रोकना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है जितना हमको चाहिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने एक वाटी भर के दूध ली हूँ, ये हम इसमें डालेंगे। पहले थोड़ा सा दूध डाल के मैं अच्छे से पूरा मिक्स कर लूंगी, उसके बाद थोड़ा दूध और डालूंगी। अब हम डाल देंगे पूरा दूध। अब ये शक्कर ये दूध में अच्छे से मिलाए तक पूरा पका लेंगे, ताकि ये पूरा पिघल जाए शक्कर। ठीक है, तुम्हें को ऐसा लगा कोई लैब में आ गया आ धुआं आ गया ना, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब ये पूरा शक्कर इसमें जो हमने कैरेमल करे थे ना, ये पूरा पिघले तक हम इसको पका लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से शक्कर पिघल गई हमारी। यहाँ मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमारा खोपरे का बुरादा काजू बादाम था वो। इसको थोड़ा सा एक 10 सेकंड हिला के इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कच्चे चावल। बिस्मिल्लाह। अब आंच को मैंने धीमा कर दी हूँ एकदम, ताकि यहाँ पे गुठलियाँ नहीं जमे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। अब पूरा डो बने तक मैं इसको पका लूंगी। जैसा हम आटा के साथ गूंथते हैं तो पूरा डो बन जाता है, उसी तरीके से ये भी डो बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। बस अब हम इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर ये डो बनना अभी चालू हो गया है। यहाँ पे फ्राई पैन छोड़ दिया है पूरा, है ना। मैं बस अभी इसको एक मिनट के लिए मैं इसको और पका लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे हमने एक ट्रे तैयार कर ली है जिसमें हमको जमाना है। यहाँ पे मैं बटर पेपर लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मैंने कांच का ट्रे ली हूँ, आप जर्मन का भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके का टिफिन बॉक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। यहाँ पे मैं गैस बंद कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। गैस बंद करके भी मैं इसको पका रही हूँ। ठीक है, अभी नहीं निकालेंगे। 1 मिनट में इस तरीके से गैस बंद करके भी इसको पकाऊंगी हिला हिला के। तो गैस बंद करके मैंने इसको 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इसमें मैं थोड़े से मगज डालूंगी। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। ठीक है, आप जो भी डालना चाहते डाल देना। मैंने यहाँ पे हल्के से 2 चुटकी मगज डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें खुशबू के लिए इलायची पाउडर डाली थी। आप जो डालना चाहे वो इसमें डाल सकते। अब क्या करेंगे हम, ये ट्रे के अंदर हम बटर पेपर लगा के रखे हैं। मैं यहाँ पे नीचे भी ये डाल दूँगी थोड़ा। ये शायद मेरे मिठाई आधे में ही आएंगी, तो मैं ये आधे में ही बिछा रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको सेट कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सेट कर दी हूँ हमारी मिठाई को। अब क्या करेंगे हम, इसको ढक के आराम से 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पहले ढक देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ढक दी हूँ। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। डिफ्रीजर में नहीं रखना है, सिर्फ फ्रिज में रखना है। ठीक है, तो चलो 15 मिनट हो गया है और मैंने ट्रे निकाल के बाहर ला ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसको ऊपर की पन्नी को आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पन्नी निकाल ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसको भी निकाल लेंगे आराम से। इसको पलटी कर लेंगे हम, बटर पेपर निकाल लेंगे
और इसको रख देंगे कट करने के लिए। अब आप इसके जैसे चाहे वैसे पीस कर सकते, छोटे बड़े, काजू कतली स्टाइल या चौकन बर्फी जैसा या अफलातून जैसा, जैसा आपको काटना है आप कट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको कट कर लूंगी, सीधा बीच में एक कट लगा देंगे हम। बिस्मिल्लाह। अब आपको जितने बड़े पीस रखना है आप रख लेना, मैं यहाँ पे अफलातून स्टाइल में थोड़ा कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अफलातून स्टाइल दिख रहा है ये पूरा, है ना, कलर भी क्योंकि इसका वैसा ही है तो ये अफलातून के जैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमारी कच्चे चावलों की मिठाई रेडी हो गई है। तो दोस्तों तैयार हो गई यहाँ पे कच्चे चावल की मिठाई। ये देखो मैंने ना कच्चे चावल का नक्शा ही चेंज कर दिए, लेकिन फिर भी ये नाम है कच्चे चावल की मिठाई। खाली कच्चे चावल छोड़ के बाकी सब चीज इसमें ना अच्छी ही रही, एकदम भारी वाली। तो ये नाम है कच्चे चावल की सस्ती मिठाई। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कच्चे चावल की मिठाई नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। सस्ती मिठाई है। सस्ती है। काजू बादाम कितने का डाली मैंने, एक छह छह सात सात डाली, उससे क्या है। हाँ। और एक पांच पांच रुपए का दो मिल्क पाउडर डाली, सस्ती छे। नहीं नहीं, दूध का पाउडर ही नहीं डाले। हाँ तो दूध और चावल तो घर में ही रहता है, क्या इसमें सब जोड़ते हैं। और ये मगज, मगज भी एक पांच रुपए का ही है, कोई चावल भी बोल दो कि दुकान से खरीदने का नहीं, वो थोड़ा सी टेस्टिंग कर लेते ना, घर पर आठ दस चावल टेस्टिंग ले लेते और लाके बना देते ना। बस हाँ, एक एक मुट्ठी लेते ना, ये देखो देखो देखो, अस्सी वाला चावल जरा दो, सौ वाला, हाँ साठ वाला दो, चालीस वाला दो, ऐसे चार पांच दुकान में जाने का ऑनलाइन मस्त तुम्हारी मिठाई हो गई तैयार है ना अभी। तो भाई देखो मिठाई नहीं, ये सही बोलू तो अफलातून लग रहा है, सस्ते वाले बोल सकते हैं सस्ते वाले अफलातून। अगर तो अफलातून के लिए नहीं जाते ना, वहाँ पे 8 से 10 वैरायटी में अफलातून रहते हैं। शुरुआत होता है 200, 240, 280, 320, 360 मिलती है। मैं लेने जाता हूँ, लेकिन अपन 400 वाले ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा, 400, 600, 650 अफलातून। तो हम लोग यहाँ बनाया है 200 वाली चावल। अच्छा, सारा चावल, बेचारा चावल। मेरा बोलने का ये मतलब है, मेरे बहुत मस्त सॉफ्ट वाला बने, अगर मैं किसी को खिलाऊ ना हाँ। तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा कि इसमें चावल भी हाँ। है सच में। ये लो खाओ। अब मैं देखता हूँ कि इसमें चावल फील हो रहा है नहीं। एक नंबर लग रहा है, एकदम मस्त, अंदर दरदरापन है ना, हल्का दरदरापन, वो भी मालूम काय का लग रहा है, रवे का लग रहा है, सूजी रवे के जैसा, जैसा हमने चावल पीस लिया ना बारीक। मेरे चैनल पे अफलातून की रेसिपी है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख ले। जरा भी नहीं आ रहा कि इसमें चावल डाले, चावल और कहीं ना कहीं अफलातून जैसा फील भी दे रहा है, सही में अफलातून जैसा फील दे रहा है। और हाँ, जब हमने चावल में दूध डाले कैरेमल शक्कर के अंदर, और बहुत से लोगों के मन में ऐसा रहेगा कि हमारा चावल कच्चा है, तो धीमी आंच पे मैंने इसलिए बनाई थी कि चावल अंदर तक पक जाए, क्योंकि जो हम घी में फ्राई करते हैं वो आधा सस्ते से सस्ती मिठाई घी में बनी है। तो घी में अरे तो डालडा घी है ना, तेल में नहीं कर सकता फ्राई, नहीं डालडा घी है ना, वनस्पति है उसकी जगह है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है घी में जो फ्राई करते हैं उसमें आधा आधा ही पकता है चावल, पूरा नहीं पकता है, आधा चावल हमारे दूध में पकता है धीमी आंच पे। अगर आप एक कटोरी दूध भर के डाल देंगे और उसमें चावल डाल देंगे और फास्ट आंच पे पका लेंगे, तो वो दूध है ना हमारे चावल सोख लेंगे फट से, पकेंगे नहीं, मतलब कच्चे रहेंगे अंदर से, आपको फील होगा फिर चावल आपका कच्चा है। अगर आपका चावल आपको कच्चा लग रहा है तो आप ये बर्फी जमाने से पहले एक दाना उठा के चावलों का चेक कर लेना, अगर फील हो रहा है, हाँ अगर फील हो रहा है अगर आपको कि आपका चावल थोड़ा कच्चा है, तो सट करने से पहले चेक करके उसमें आप आधी बाटी या एक बाटी दूध और ऐड कर लेना और धीमी आंच पे और पका लेना, समझे मेरा ये बोलने का मतलब है। अब मैंने एक बाटी भर के फुल चावल नहीं ली थी, थोड़ा सा कम था और दूध मेरा एक बाटी अच्छा खासा भर के था, और ऊपर भी मैंने थोड़ा सा डाली, दो चम्मच साइड में कटोरी में थे वो भी। अगर आपके पास
उतना चावल में डालने के बाद आप फास्ट गैस करके चावल पका लिए ना, तो वो दूध 2 मिनट में सोख लेगा, आपके चावल बिल्कुल पकेंगे नहीं, दरदरापन अंदर से रहेगा, कच्चापन चावल के अंदर से रहेगा। आप धीमी आंच पे जितना पकाएंगे उतना आपका चावल अंदर से पकेगा, और उसके बाद भी आप हाथ में उठा के दाना चेक करके फिर जमाना, ठीक है ना। अगर दाना लग रहा है तो आधा वाटी दूध और डाल के उसको पका लेना, ठीक है, उसके बाद सेट कर लेना। बहुत मस्त बनी लेकिन ये कच्चे चावल की मिठाई। अगर जिसको ऐसा मिठाई शेप में नहीं देना है तो वो हलवा भी बोल सकते हैं, कच्चे चावल का हलवा। आपको अगर ये मिठाई टाइप में नहीं देना है तो आप हलवा बनाते ना, हम रवे का सूजी का हलवा, आप बॉल में भी इसको सर्व कर सकते हैं, कटोरे में चम्मच से खाने के लिए पूरा पका के, ठीक है। लेकिन बस इतना है कि हलवा बनाना अगर सेट नहीं करना है तो आप लास्ट लास्ट में जब पूरी तरीके से आपका ये चावल पक जाए तब 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा ऊपर से डाल के आप हलवा सर्व करना, क्योंकि मुझे ये सेट करना था तो मैं फिर उसमें घी कम डाली, 1 चम्मच डाली। अगर आपको हलवा सर्व करना है तो आप 2 चम्मच घी लास्ट में बड़े बड़े एक्स्ट्रा में डालना, ठीक है। वैसे तो ये शेप कुछ भी दे सकते थे ना, मैं गोल भी बना सकते, काजू कतरी का भी बना सकते थे, लड्डू भी बना सकते थे, बर्फी भी बना सकते थे, कोन वाली, त्रिकोण वाली, मतलब आप जो डिजाइन में इसको काटना चाहे काट सकते। मुझे ये डिजाइन अच्छा लगता है, थोड़ा मोटा ही कटा है ना तो ये खाने में मजा आता है, टेस्ट भी आता है, पतला ज्यादा नहीं कर देना, किसी को दे तो भी अच्छा लगे, बोले मोटे मोटे एक पीस दे दो, किसी को दे मतलब, अरे घर में भाई, घर पे मेहमान, घर में। तो भाई कैसा लगा ये कच्चे चावल की मिठाई की रेसिपी, मुझे तो कुछ अलग लगी खाने अच्छा में। ये चावलों की मिठाई सिर्फ ऐसी ही नहीं बनती है, बहुत अलग अलग किस्म की बनती है, ये तो मैंने अभी एक किस्म। तो भाई कमेंट्स करो, हाँ कमेंट्स करो कि भाई आपको और भी ऐसे कच्चे चावलों की मिठाई देखना है तो कमेंट्स करो, तो हम और बनाएंगे इंशाल्लाह। और बिरयानी की भी रेसिपी देखना है तो आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं वहां वहां की रेसिपी मुझे सजेस्ट करो, बिरयानी देखना है तो मेरे भी जरा माइंड खुल जाता है, मुझे भी ध्यान नहीं रहता है कहाँ की बनाऊं, कैसा बनाऊं, कैसा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे जरा हेल्प मिल जाएगी कि आप लोग कौन सी बिरयानी या कौन सा पुलाव या कौन सी जगह की तहारी देखना चाहती है, ठीक है। तो भाई कैसी लगी है फिर एक बार मिठाई की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो आगे मत जाइए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।